साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। आज फिर हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए। आपने बायो बूस्ट बोलस का नाम सुना होगा, या लिवो बूस्ट सुना होगा, या टेको बूस्ट सुना होगा। यह बूस्ट वाली बोलस आती है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। और इसका उपयोग हर वेटनरी डॉक्टर क्यों करता है, इसके क्या रिजल्ट आते हैं, इसके क्या फ़ायदे, इसका उपयोग हमें कब करना है, प्रेगनेंसी से या नहीं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी नए नए ट्रीटमेंट डालेंगे, वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू। जो बायो बूस्ट बोलस आती है, इस नाम की बोलस आती है, ये बहुत ही शानदार बोलस है। इसका उपयोग लगभग हर बीमारी में किया जाता है, क्योंकि इसमें लिवर इष्ट होता है, यह भूख बढ़ाती है पशु की, यह इतने सारे काम करती है कि आप इसको हर स्टेज में दे सकते हैं बायो बूस्ट बोलस को। हम क्या करते हैं, मान लीजिए पशु को बुखार है, पशु का बुखार का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब ट्रीटमेंट करने के बाद हमें वहाँ पर पशु को बी कॉम्प्लेक्स देना ज़रूरी है, यानी आपने बी कॉम्प्लेक्स का चाहे इंजेक्शन लगाया, लेकिन हमें उसकी भूख बढ़ाने के लिए अलग से बी कॉम्प्लेक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि पशु फिर से बीमार ना हो। तो उस जगह आप यह बायो बूस्ट बोलस अवश्य दें, और ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप यह देते हैं तो पशु चाहे थोड़ा थोड़ा बुखार आता हो, लेकिन फिर भी पशु खाना खाने लगेगा, तो जिससे क्या है कि आपके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कई पशु में ऐसी बीमारी होती है कि वह खाना नहीं खाता है, केवल पानी पीता है, यानी उसकी जो टंग रहती है, जो जीभ रहती है, उस जीभ के नीचे काला खून इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम छड़ बोलते हैं, आपकी भाषा में शायद कुछ और बोलते हैं, हमारे एरिया में छड़ बोलते हैं उसको, तो वह हो जाती है। यानी पशु के जो जीभ रहती है उसके नीचे की, मान लीजिए मेरी जीभ है, अब यहाँ पर क्या होता है, काला खून इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, पशु पानी तो पिएगा लेकिन खाएगा नहीं, पशु लार गिराएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता हमें कि वहाँ पर उसको ब्लड, पहले के ज़माने में ब्लड निकालते थे हमारे इधर, लेकिन जब से ये बोलस आई है, बायो बूस्ट बोलस आई है, या सो बूस्ट बोलस आई है, यह देते हैं तो बिना खून निकाले ही पशु, बोलस देने के 2 घंटे बाद ही पशु खाना खाने लगता है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा आप भूख बढ़ाने में दे सकते हैं, पशु कम खा रहा है तो वहाँ दे सकते हैं, पशु के लीवर में कुछ प्रॉब्लम है वहाँ दे सकते हैं, यानी हर बीमारी में आपने चाहे किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट किया हो, ट्रीटमेंट करने के बाद आप ये जरूर दें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या इसके नहीं आती। बहुत अच्छे, चाहे आप किसी भी बीमारी में आप इस बोलस को दे सकते हैं, आप 2 बोलस एक साथ भी दे सकते हैं, और 1 बोलस भी आप एक साथ दे सकते हैं। छोटा पशु है तो वहाँ पर आप इसको आधे आधे दें, अगर लार्ज एनिमल है 5 क्विंटल की भैंस है तो आप इसकी 2-2 बोलस एक साथ दे सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अगर पशु पानी भी कम पीता है तो वह भी दे सकते हैं, प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है, प्रेग्नेंट पशु को 2-2 बार एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पशु जो भी ज़्यादा इंजेस्ट खा जाता है तो उसको भी पाचन शक्ति में भी बढ़ाती है, पशु के लीवर को मजबूत करती है, पशु की भूख बढ़ाती है, पशु के दूध बढ़ाने में सहायता करती है, यानी बहुत सारी डिजीज जिनमें यह कार्य करती है, तो इसके बहुत सारे फायदे कई तो हमने आपको, और आप हर बीमारी में इसको दे सकते हैं, पशु को रिकवर करने के लिए, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा काम यही करती है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।